हकूमती इत्तेहादी हकूमत से निकलने का फैसला कर चुके हैं, सिर्फ इजाजत का इंतजार है। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने दावा किया है कि एक हकूमती इत्तेहादी ने हकूमत से निकलने का फैसला कर लिया है, सिर्फ पार्टी की जानिब से इजाजत का इंतजार है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने ये दावा GNN के प्रोग्राम खबर है में खसूसी गुफ्तगू करते हुए किया और कहा कि एक गैर फितरी इत्तेहाद था जिसमें लोगों को मजबूरन शामिल किया गया था। मेरी आज एक इत्तेहादी से बात हुई है, इनका बस चले तो आज रात को हुकूमत से निकल जाएं। वो कहते हैं कि जिस तरह धांधली हुई है माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, अगर यही सूरत हाल रही तो हम आइंदा इंतखाब इनके साथ मिलकर नहीं लड़ सकते। आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि इस हकूमती इत्तेहादी का कहना है कि वो फैसला कर चुके हैं, मगर कुछ लोग इन्हें इंतज़ार करने का भी कह रहे हैं। वो जहनी तौर पर इस हकूमत से अलहदा होने का फैसला कर चुके हैं। अब जैसे ही इन्हें इजाज़त मिलती है, मतलब अपनी जमात या पार्लियामानी पार्टी की इजाज़त, तो इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं हमेशा से कहता था कि शहबाज शरीफ छुपकर मुलाकातें करते हैं और मुसलसल रबते में हैं। इनकी मुलाकातें एक अहम तरीन शख्सियत के ससुर और करीबी अजीज ने करवाई हैं। मेरी बातों की तस्दीक शेख रशीद ने भी कर दी कि शहबाज शरीफ डील में हैं। सीनियर तजियाकार ने कहा कि अल्लाह करे कि मेरे खदशात गलत हों, मगर 1995 में पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे पर फायज रहने वाले शख्स ने मेरे सामने आज की सूरत हाल का जो नक्शा खींचा है वो सूरत हाल अच्छी नहीं है। अमरीका ने रिजीम शहबाज शरीफ या जरदारी के मुकदमात ख़त्म करने के लिए नहीं किया, इसके पीछे इनके अपने भी कुछ मकासद हैं। सऊदी अरब में अमरीकी सदर की आमद के बाद एक अहम पैगाम भी मौसूल हो गया है।